समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को बीते दिन रामपुर जिला कारागार से हरदोई जिला कारागार में शिफ्ट किया गया है। इस दौरान उनसे मिलने कई सपा नेता वहां पहुंचे, लेकिन जिला कारागार के अध्यक्ष ने जेल मैनुअल का हवाला देकर केवल अब्दुल्ला के मौसा और मौसी को उनसे मिलने की अनुमति दी, जबकि समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को फिर से एक बार जिला कारागार से अब्दुल्ला से बिना मिले बैरंग वापस लौटना पड़ा। दरअसल अब्दुल्ला आजम ने मुलाकात करने के लिए अपने 10 पारिवारिक सदस्यों की सूची दी थी। इसी सूची का हवाला देकर जेल प्रशासन ने सपा नेताओं को मिलाई कराने से इनकार कर दिया। वहीं अब्दुल्ला आजम की मौसी तनवीर फातिमा अपने पति जियाउल रहमान के साथ जिला कारागार पहुंची थी। इस दौरान वो अपने साथ एक कंबल का बैग और कुछ दूसरे जरूरी सामानों को भी लाई थी। उनकी मौसी को करीब एक घंटे का इंतजार के बाद जेल के अंदर दाखिल किया गया। वहीं LIU के लोगों की मौजूदगी में उनकी मुलाकात अब्दुल्ला आजम से कराई गई। स्वास्थ्य थोड़ी सी जुकाम खांसी है, वैसा तो ठीक है स्वास्थ्य, तो वैसे तो देखिए परेशानी है और परेशानी में तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता ही है, परेशानी तो सभी को है, अलग अलग है सब तीनों। क्या कहा उन्होंने आपसे? उन्होंने कुछ नहीं कहा, बताया कि घबराना मत, मतलब कुछ दिन तो सभी के आते हैं, आजकल बुरा वक्त चल रहा है, ये भी कट जाएगा। वहीं जिला कारागार के अधीक्षक संजय सिंह ने बताया कि जिन 10 लोगों की सूची अब्दुल्ला आजम ने दी थी उनमें किसी सपा नेता का नाम नहीं था, जिसकी वजह से उनकी किसी से भी मुलाकात नहीं कराई गई। जहां तक मिलने का प्रश्न है तो उनसे एक सूची ली गई है नियमानुसार, उन्होंने जिन जिन लोगों का लिस्ट में नाम दिया है उन लोगों की मुलाकात कराई जाएगी नियमानुसार, और उनके कुछ परिजन आज मिलने आए हैं जिनका नाम है, उनकी मुलाकात कराई जाएगी, वो LIU की उपस्थिति में और कैमरे के सामने मुलाकात होगी। अब चूंकि जिन लोगों का नाम उन्होंने नहीं दिया वो स्वयं नहीं मिलना चाहते तो उनसे मुलाकात कराने का ना नियम है ना कोई औचित्य। उधर समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह ने आरोप लगाया कि पार्टी के किसी भी नेता और पदाधिकारी को अब्दुल्ला आजम से मिलने की अनुमति नहीं दी गई और जेल प्रशासन उन्हें परेशान कर रहा है। हमने उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली तो उनका स्वास्थ्य ठीक है, अगर उनको कोई तकलीफ होगी उसकी भी हम उनके लिए दवाई का इंतजाम करेंगे। और हमने खाने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा खाना जो सामान्य लोगों को दिया था उस हिसाब से खाना उनको दिया जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से जेलर साहब का की बात से लगता था कि प्रशासन की मंशा ही परेशान करने की, जबकि हम लोग चाहते थे कि हम लोगों को मिल लिया। बता दें कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला आजम के अलावा आजम खान और उनकी पत्नी को भी MP MLA कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई है। बहरहाल तीनों को अलग अलग जेल में शिफ्ट किया गया है। अब्दुल्ला आजम हरदोई जेल में है तो वहीं आजम खान सीतापुर जेल, जबकि उनकी पत्नी रामपुर जेल में बंद है। पंजाब केसरी TV के लिए हरदोई से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।